कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रे गणाश्रिता। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, बड़ा ही सुंदर विषय के साथ आप सभी के साथ आज चर्चा करने वाला हूँ। किसी महानुभाव ने कमेंट के माध्यम से एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने पूछा था कि एक ऐसा कार्यक्रम बनाइए कि कलश को क्या मंदिर में विराजमान कर सकते हैं हमेशा के लिए या नहीं, परमानेंट कलश मंदिर में रखा जा सकता है या नहीं। उनके प्रश्न को ध्यान रखते हुए यह कार्यक्रम लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जो मैंने पूर्व में श्लोक बोला कि कलशस्य मुखे विष्णु, कलश अद्भुत चीज, पूजा में जिसका विशेष महत्व है। कलश को जब भी हम स्थापित करते हैं, सबसे पहले बता दूं कि कलश के अंदर कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का जो मुख है वहां भगवान नारायण का साक्षात निवास रहता है। कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में भगवान शिव का निवास होता है, स्वयं विराजित होते हैं। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मूल यानी कि जड़ में ब्रह्मा जी का साक्षात निवास होता है। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्य मातृ गणाश्रिता, मध्य भाग में मातृगणों का यानी कि सभी देवियों का निवास होता है। ऐसा यह श्लोक लंबा है, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म में बताना चाहता हूं कि इसमें सारे देवी देवताओं का यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास मात्र एक कलश ही ऐसा स्थान है जिसमें सारे लोग निवास करते हैं और उससे अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होती है। आपके अनेकानेक इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य कलश में स्थित भगवान वरुण देव के साथ, नारायण के साथ, ब्रह्मा शिव आदि देवता मिलकर आपके समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, कलश को जब भी आप मंदिर में विराजमान करना चाहते हैं, उनका प्रश्न था कि किस दिशा में रखना चाहिए। बड़ा ही सुंदर प्रश्न था। तो दिशाओं की बात अगर करें तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कलश के ऊपर जो नारियल हम रखते हैं, उस नारियल के अंदर एक लाल कपड़े से लपेट दे नारियल को, और उसके बाद एक कलावा बांध दें उस कलश के कंठ में, यानी कि तांबे का कलश होना चाहिए। उसके अलावा उसमें एक सुपारी और 125 रुपए अवश्य डाल दें, और उस पर वह जो नारियल में लाल कपड़ा आपने लपेटा है उसको अच्छे से लपेट कर, और किसी अच्छे मुहूर्त में, यानी कि वह हो सकता है कि गुरुपुष्य नक्षत्र हो, रविपुष्य नक्षत्र हो, पूर्णिमा का दिन हो, एकादशी तिथि हो, ऐसी कई सारी उपयुक्त तिथियां हैं जिनमें उसको स्थापित किया जा सकता है, या फिर नवरात्रि का समय चल रहा हो, गणेश उत्सव हो, या कोई विशेष समय में आप कलश को स्थापित करें मंदिर के अंदर। आप उसको तैयार करिए सुंदर, और पहले हो सके तो पंचोपचार पूजन करें कि सारे देवी देवता इस कलश में विराजित हो आज से और हमारे घर में सदैव स्थित रहे। और कलश को विराजमान करने का बड़ा ही सुंदर लाभ भी है। जिस घर में कलश विराजमान रहता है उस घर में कभी विपत्तियां आती ही नहीं है। जैसे वह सुंदर हरा भरा कलश रहता है, वैसे ही सदैव आप अपने व्यापार क्षेत्र में, अपने नौकरी में उत्तरोत्तर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ पंचोपचार पूजन करें, और घर के मंदिर में उसको आप अपने राइट साइड में यानी कि अपने दाहिने साइड में आप कलश को विराजित करें, क्योंकि आपका जो लेफ्ट हैंड है यानी बाया जो आपका हाथ है, वहां पे दीपक को सदैव विराजमान किया जाता है। इसलिए दाहिने तरफ आप कलश को यानी वरुण देवता को विराजमान करके और श्रद्धा और पूर्वक उनका नित्य दिन पूजन करें, और उसमें स्वस्तिक जरूर बनाएं। कुमकुम से नित्य प्रतिदिन उनको नारियल को हटा करके और अच्छे से धो करके और पुनः उनमें जल को भरें, और जल भरने के बाद पुनः स्थापित करके एक सुंदर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, और उसके बाद पुनः मंदिर में विराजमान करके श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन करें। जीवन में आ रही नित्य बाधाओं को दूर करके नित्य सफलता की ओर आपको ले जाने का कार्य करेंगे।
तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आपके भी मन में अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, आप चाहते हैं कि मैं कार्यक्रम को लेकर आऊँ, तो कॉमेंट के माध्यम से अपना सुझाव अवश्य दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मित्रों, पर्सनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रश्न पूछकर और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।